जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि उप मुखिया का चुनाव कैसे होता था। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि जो उप मुखिया का चुनाव होता है तो जितने भी सारे ग्राम पंचायत होते हैं तो ग्राम पंचायत में जो मुखिया होते हैं तो मुखिया का नॉमिनेशन होता है कहाँ, अंचल में। तो उसी प्रकार से जो उप मुखिया होते हैं तो उप मुखिया का जब चुनाव होता है तो पूरे पंचायत में जो भी ग्राम पंचायत है तो उसमें जितने भी वार्ड सदस्य जीते हुए रहते हैं, जो भी जीत हासिल किए हुए रहते हैं, तो उस सारे वार्ड सदस्य को या तो अंचल में एक बैठक बुलाई जाती है या तो अपने ही पंचायत के पंचायत भवन में बैठक होती है जिसमें BDO CEO टोटल आए हुए रहते हैं। तो उस समय ही मुखिया का उप मुखिया के लिए चुनाव होता है। तो जितने भी सारे ग्राम पंचायत हैं तो किसी किसी ग्राम पंचायत में 13 वार्ड रहते हैं, किसी 12 वार्ड रहते हैं, किसी में 11 वार्ड रहते हैं। तो मान लीजिए कि किसी में 13 वार्ड है तो 13 वार्ड में से उप मुखिया के लिए जो भी खड़ा होते हैं तो 13 वार्ड में से 2-3 उप मुखिया के लिए खड़ा हो जाते हैं कि हम उप मुखिया के लिए रेडी हैं। तो मान लीजिए 13 वार्ड में 2 उप मुखिया के लिए खड़ा हो गए, तो 2 उप मुखिया के लिए खड़ा हो गया तो वो दोनों में से जिनके तरफ ज़्यादा वोटिंग करेंगे, तो वोटिंग कौन करेगा, वार्ड सदस्य ही करेगा। 13 में से 2 तो खड़ा है तो बच गए कितना, 11। तो 11 वार्ड में जो दोनों के तरफ जिधर ज़्यादा वोटिंग हो जाएगा वही जीत जाएगा। उसके लिए बैलेट पेपर रहता है तो वही पर्ची में लिख के या तो जमा करना रहता है। तो उसी तरीके जो भी 11 वार्ड जिधर दोनों में से जिधर तरफ वोट दे देते हैं और जिनका वार्ड ज़्यादा वोट पड़ता है जिनके तरफ, तो वही उप मुखिया बन जाते हैं और वहीं पे उनको जो है से मनोनीत किया जाता है और वो जो है उप मुखिया बन जाते हैं। तो इसी तरीके से उप मुखिया का चुनाव होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी जरूर समझ में आएगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। मैं दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी इस चैनल पर लाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।